हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पेंटोब्राजोल टैबलेट्स के बारे में। तो उसका एक फेमस ब्रांड नेम भी आपको पता होगा कि जो पेंटोडेक करके जो टैबलेट्स आते हैं, कि जो गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टैबलेट होते हैं 40 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ के अंदर ये अवेलेबल होते। तो उसके अंदर जो मेन सॉल्ट कंपोजिशन जो हम देखें तो वो होता है पेंटोब्राजोल। तो इसी के बारे में हम सीखेंगे ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में, और जानेंगे किस तरह से ये मेडिकेशन अपना काम करती है, उसके बेसिक यूज़ वगैरह क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट, डेली डोज एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में जानेंगे, वार्निंग्स वगैरह के बारे में जानेंगे ये टैबलेट के। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 2 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले समझिए कि पेंटोप्राजोल जो है वो मेडिसिन क्या है, तो वो आपको समझना ज़रूरी है। तो पेंटोप्राजोल इज़ ए क्लास ऑफ मेडिकेशन इन फार्माकोलॉजी कॉल प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स। कि फार्माकोलॉजी के अंदर एक मेडिसिन क्लास आता है कि जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ये क्लास का ये मेडिकेशन है पेंटोप्राजोल। आगे समझे तो इट इज़ ए मेडिकेशन दैट डिक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड। मतलब कि ये ऐसा मेडिकेशन है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसका प्रोडक्शन जो है वो करता है, डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है एसिड प्रोडक्शन को। और इसको हम ओरली लेते हैं ये टैबलेट को, और ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन रहता है। इसी के कारण देखो यहाँ पे आपको रेड लाइन देखने को मिलेगी उसके पैकिंग के ऊपर, कि जो पेंटोप्राजोल का ये जो पैकिंग आप देख रहे हैं पेंटोडेक का, तो उसके ऊपर ये रेड लाइन मतलब कि लाल लकीर आप देख सकते हैं। और लाल लकीर का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन के, जिसको हम कहते हैं RX ओनली। तो आपको ये मेडिकेशन का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, प्रॉपर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स डॉक्टर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग टू ही ये मेडिकेशन को लेनी होती है। तो यह हो गया उसका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द पेंटोप्राजोल टैबलेट। आगे समझते हैं उसके बेसिक यूज़ के बारे में, कि कौन सी अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के अंदर पेंटोप्राजोल के जो टैबलेट्स है वो पेशेंट को दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम उसका बेसिक यूज़ समझे, तो जो पेप्टिक अल्सर होता है, कि आपका जो स्टमक है, आपका जो पेट जो हम कहते हैं, तो वहाँ पे जो अल्सर होता है, तो उसके इलाज के अंदर पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए भी ये पेंटोप्राजोल के टैबलेट्स पेशेंट्स को दिए जाते हैं। फिर GERD का जो हम प्रॉब्लम कहते हैं कि गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज के भी इलाज में पेंटोप्राजोल टैबलेट्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। फिर आपके बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए, कि आपके बॉडी के अंदर स्टमक एसिड काफ़ी प्रोड्यूस हो रहा है और उसके कारण आपको एसिडिटी जैसा भी फील होता है। कि कई बार बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उनके बॉडी के अंदर, और ये ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने के कारण उनको एसिडिटी का जो प्रॉब्लम होता है, तो उसके भी इलाज में पेंटोप्राजोल टैबलेट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जो हम बात करते हैं ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, उसके भी ट्रीटमेंट में ये मेडिसिन दी जाती है। रिलीव द सिम्टम्स ऑफ एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स का जो प्रॉब्लम होता है, कि GERD में भी कई बार ये प्रॉब्लम है। फिर जो ये यहाँ पे स्टमक के पास जो स्पिंचर होता है वो समझो कि हमेशा ओपन रहता है पेशेंट को, और उसके कारण ये जो एसिड है वो ऊपर इसोफेगस मतलब कि जो हमारी फूड पाइप होती है वहाँ पर आ जाता है, और जिसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वहाँ पर अल्सर हो सकता है, डैमेज हो सकती है आपकी इसोफेगस। तो उसके भी ट्रीटमेंट के लिए पेंटोप्राजोल दिया जाता है, कि जिससे क्या होता है ये स्टमक एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और इसोफेगस को एक्सेसिव स्टमक एसिड से डैमेज होने से हम उसको बचा सकते हैं। फिर जो डियोडिनल अल्सर होता है उसके भी ट्रीटमेंट में, कि ये ऊपर का पोर्शन मतलब कि ये इसोफेगस बट यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन जो है जो मैं येलो कर रहा हूँ उसको हम डियोडिनल का पोर्शन कहते हैं, तो उसका भी जो कई बार अल्सर होता है कि एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में डियोडिनल अल्सर भी पेशेंट्स को हो सकते हैं।
तो ये अल्सर के ट्रीटमेंट में भी पेंटोप्राजोल यूज़ किए जाते हैं। फिर गैस्ट्रिक एसिड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो ये एसिडिटी की कंडीशन को भी ट्रीट करता है पेंटोप्राजोल टैबलेट। तो बहुत सारे ये बेसिक यूज़ है। और भी यूज़ हम जाने तो जो हार्ट बर्न की जो कंडीशन होती है, और हार्ट बर्न तभी होता है कि जब आपको आपके बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। कि यहाँ पे ये जो दो डायग्राम्स आप देख रहे हैं, तो ये डायग्राम्स के अंदर आप देखो कि यहाँ पे आपके चेस्ट के रीजन के अंदर आपको बर्निंग जैसा फील होगा, तो उसका रीजन होता है ये एक्सेसिव एसिड। कि जो एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक एसिड, तो वो हार्ट बर्न के प्रॉब्लम को कोज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है। तो पेंटोप्राजोल के टैबलेट्स लेने से एसिड सिक्रेशन जो है वो कम हो जाता है, और ये प्रॉब्लम का इलाज जो है वो आसानी से हो जाता है। फिर स्वेलोविंग का जो डिफ़िकल्टी, मतलब कि जो भी कुछ आप खाना खाते हैं तो उसके स्वेलोविंग में आपको डिफ़िकल्टी होती है, तो वो भी ये टैबलेट लेने से ठीक हो जाता है। परसिस्टेंट कफ का जो प्रॉब्लम है, एंड इट हेल्प इन हीलिंग ऑफ द स्टमक एंड इसोफेगस डैमेज बाय द स्टमक एसिड। कि स्टमक एसिड के कारण आपका जो स्टमक था उसके लाइनिंग्स, साथों साथ जो इसोफेगस जो डैमेज हुआ था उसके इलाज में ये मेडिकेशन दी जाती है। हेल्प टू प्रिवेंट द अल्सर्स, कि जो अल्सर्स फ्रॉम होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिकेशन हेल्पफुल है। एंड हेल्प टू प्रिवेंट द कैंसर ऑफ द इसोफेगस। इसोफेगस का जो कैंसर है वो क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। कि एक्सेसिव स्टमक एसिड के कारण, कि एसिड समझो कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एसिड आपके जो लाइनिंग्स होते हैं इसोफेगस के उसको डैमेज करता है, और जितनी ज़्यादा ये लाइनिंग्स डैमेज होती है तो वहाँ पे आगे जाके फॉर्म होता है अल्सर, और अल्सर समझो कि लंबे समय तक रहे तो वो अल्सर में से फॉर्म हो सकता है कैंसर। तो शुरुआत के स्टेज में ही समझो कि आप एसिड प्रोडक्शन कम करवा देते हैं, तो ये जो लाइनिंग्स जो डैमेज हुई थी उनका हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे प्रॉपर रिपेयर होके नॉर्मल हो जाएंगी, और वहाँ पे फॉर्म हुआ अल्सर भी प्रॉपर ठीक हो जाएगा, और अल्सर ठीक हो जाएगा तो आगे जाके कैंसर को जो है वो आप आसानी से प्रिवेंट करवा सकते हैं। तो इस तरह से पेंटोप्राजोल हम कहें तो काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन है, कि जब आपको स्पेशली एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने के कारण होने वाले जितनी भी अलग अलग बीमारियां हैं सभी के अंदर पेंटोप्राजोल का ये जो टैबलेट है वो इफेक्टिव साबित होता है। अब जान लेते हैं उसके डेली डोज को। तो नॉर्मली 40 मिलीग्राम ओरली वंस अ डे, मतलब कि यहाँ पे जो आप टैबलेट देख रहे हैं कि पेंटोप्राजोल के गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन इस तरह से बन सकता है कि 100 के दिन में एक ही बार आपको ये टैबलेट लेनी है। चाहे आप किसी भी ब्रांड का ये पेंटोप्राजोल टैबलेट यूज़ करें, कि जिसकी स्ट्रेंथ है समझो कि 40 मिलीग्राम का ये टैबलेट है, तो 40 मिलीग्राम का ये टैबलेट आपको दिन में एक ही बार खाना है तो एक ही टैबलेट लेंगे। और ट्रीटमेंट की जो थेरापी हम कहें तो 4 से लेकर 8 वीक तक चल सकती है, मतलब कि मिनिमम 1 महीने से लेकर 2 महीने तक आपको डेली एक टैबलेट इसकी खानी पड़ेगी। एडल्ट पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए 8 वीक तक का ये ट्रीटमेंट रहता है मिनिमम, और 40 मिलीग्राम का टैबलेट ओडी, मतलब कि वंस इन ए डे दिन में एक ही बार लेना है। एंड अगर समझो कि चिल्ड्रंस को आप दे रहे हैं तो 5 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं, अप टू 18 ईयर्स तक हम देखें, तो उनके लिए 20 मिलीग्राम का जो टैबलेट है वंस अ डे, मतलब कि 40 के बजाय उनको उसकी हाफ क्वांटिटी, मतलब कि 20 मिलीग्राम जो है वो आप उनको दे सकते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 8 वीक तक। फिर बात करें तो इट इज़ इनफ टू टेक 1 टैबलेट पर डे, दिन में एक ही टैबलेट लेना इनफ रहेगा। एंड अगर समझो कि आप काफ़ी हायर डोज में यूज़ कर लेते हैं तो उसके कारण काफ़ी सीरियस साइड इफेक्ट हो सकती है, कि जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर। अब जानना जरूरी है कि एसिड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे जो आप डायग्राम जो देख रहे हैं, तो ये डायग्राम में ये ल्यूमेन दिखाया गया है गैस्ट्रिक पिट का, मतलब कि ये जो मैं येलो कलर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये पूरा पोर्शन है आपके स्टमक के रीजन का। कि ये वाला समझ लो कि आपका स्टमक का पोर्शन है और वहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड जो है वो सीक्रेट हो रहा है। तो ये गैस्ट्रिक एसिड किस तरह से सीक्रेट होगा,
तो ये जो पेरिएटल सेल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड को सीक्रेट करने के लिए, और ये पेरिएटल सेल ये साइड है और यहाँ से एसिड जो है वो अंदर की ओर ये स्टमक के ल्यूमेन के अंदर की, ये स्टमक का ये जो ल्यूमेन है इंटरनल ल्यूमेन, तो वहाँ पे ये एसिड सीक्रेट हो रहा है। तो किस तरह से हो रहा है, तो H2O+CO2 दोनों के बीच में जो रिएक्शंस होती है और वो फॉर्म करते हैं H2CO3, और वहाँ पे हेल्प करता है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। आगे जाके उसके दो पार्ट पड़ते हैं, एक H+ और HCO3-। तो ये HCO3- जो है वो चला जाता है ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे लिखा है कि इनटू द ब्लड। अब क्या होता है, जो ब्लड में से क्लोराइड जो है वो ये पेरिएटल सेल्स के अंदर एंटर हो रहे हैं और वो जा रहा है आपके ल्यूमेंस के अंदर। अब यहाँ पे जो H+ था, ये H+ को ये ल्यूमेन जो है गैस्ट्रिक पेट का, मतलब कि आपके जो स्टमक का, उसको इस यहाँ पे ट्रांसफर करवा रहा है ये पंप की। ये जो रेड कलर का जो आप पंप देख रहे हैं वो है प्रोटॉन पंप। तो ये प्रोटॉन पंप क्या करता है, यहाँ पे जितने भी ये H+ फॉर्म होते हैं ये सभी H+ को यहाँ से लेकर उनको अंदर ये गैस्ट्रिक पेट के अंदर ट्रांसफर करवाता है। तो अब यहाँ पे देखो H+ तो वहाँ पे चला गया और साथ में क्लोराइड भी आ गया, तो H+ और Cl- दोनों कंबाइन होके बनाते हैं HCl की, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो हो गया आपका स्टमक एसिड। तो इस तरह से स्टमक एसिड जो है वो फॉर्म होता है आपकी बॉडी के अंदर। तो अलग-अलग कारणों सर ये एसिड समझो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो पेंटोप्राजोल्स के जो टैबलेट लेने के बाद क्या होता है कि ये वाला जो पाथवे है वे बंद हो जाता है, कि जो प्रोटॉन पंप था ये प्रोटॉन पंप हो जाएगा इनहिबिट। तो इससे क्या होगा कि जो H+, K+, ATPase जो ये प्रोटॉन पंप था, ये प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी बंद हो गई। मतलब कि ये जो H+ यहाँ पे आ रहे थे ये आना अब बंद हो जाएंगे। तो भले यहाँ पे क्लोराइड आ रहे हैं बट वहाँ पे H+ प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण HCl जो है वो बनेगा नहीं। और इस तरह से ये पेंटोप्राजोल टैबलेट अपना काम करते हैं कि वो ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देते हैं, और प्रोटॉन पंप ही इनहिबिट हो जाएगा तो भले यहाँ पे पेरिएटल सेल के अंदर H+ बन रहा है बट ये H+ अंदर ल्यूमेंस के अंदर नहीं जा पाएगा, और ल्यूमेंस के अंदर H+ नहीं आएगा तो Cl के साथ मिलकर वो HCl नहीं बना पाएगा। इस तरह से HCl का जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण स्टमक एसिड की जो हम कहे प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है आफ्टर टेकिंग दिस पेंटोप्राजोल टैबलेट। अब जानना जरूरी है उसके साइड इफेक्ट्स को। तो सबसे ऊपर हम देखें साइड इफेक्ट उसकी, तो कुछ केसेस के अंदर डायरिया होता है, कुछ केसेस के अंदर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, मतलब कि किस लोगों, कुछ लोगों को दस्त हो जाते हैं, कुछ लोगों को कब्ज का प्रॉब्लम होता है पेंटोप्राजोल लेने के बाद, स्टमक पेन का कंडीशन कुछ लोगों के अंदर देखने को मिलता है पेंटोप्राजोल्स के टैबलेट लेने के बाद। फिर बात करें तो फ्लैटुलेंस, कि फ्लैटुलेंस जैसा हो सकता है कुछ लोगों को, फिर हेडेक हो सकता है आपको, कि सरदर्द की जो हम बात करते हैं वो हो सकता है पेंटोप्राजोल, समझो कि ओवरडोज के अंदर आप यूज़ करते हैं, नौजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है कि अगर ओवरडोज के अंदर यूज़ कर लेते हैं आप पेंटोप्राजोल को, डिजीनेस, ये वाला देखो कि ये डिजीनेस के नींद आना या फिर लंबे समय तक सोते रहना या फिर नींद आना जैसे कंडीशन फॉर्म होती है, फीलिंग और बीइंग सिक, आपको ऐसा फील होता है कि आप बीमार हैं या फिर आप बीमार हो रहे हैं, ऐसा आपको फील होता है कई बार पेंटोप्राजोल को ओवरडोज में यूज़ करने से। बोन फ्रैक्चर का कंडीशन फॉर्म हो सकता है कि अगर आप उसको एक्सेसिव डोज में यूज़ कर दे। तो जैसे अभी बात हुई कि 40 मिलीग्राम का टैबलेट दिन में एक ही बार लेना सही है, तो उतना ही यूज़ करें, ज़्यादा हायर डोज में लेने से ये सब साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं, और एक्सेसिव डोज में लेने से किडनी भी आपकी ख़राब हो सकती है। तो ये खास ध्यान रखें कि दिन में एक ही टैबलेट इनफ रहता है, कि जो 40 मिलीग्राम उसकी स्ट्रेंथ होती है। ज़्यादा टैबलेट लेने से ऐसा नहीं कि आपका स्टमक एसिड का प्रोडक्शन और ज़्यादा कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ एक ही टैबलेट इनफ रहता है आपके स्टमक एसिड के प्रोडक्शन को कम करने के लिए। तो ये था पेंटोप्राजोल के साइड इफ़ेक्ट्स। अब जानते हैं उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मतलब कि कौन से कंडीशन में उसको यूज़ नहीं करनी है। तो
इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, आपको दस्त हुए हैं और दस्त होने का रीज़न है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल बैक्टीरिया, कि समझो कि डायरिया लंबे समय तक चल रहा है और फिर आपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया, प्रॉपर डायग्नोसिस करवाया और रीज़न पता चला कि डायरिया होने का रीज़न ये वाले बैक्टीरिया की, जिसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल बैक्टीरिया। तो ऐसे केसेस में पेंटोप्राजोल नहीं देनी चाहिए, बिकॉज पेंटोप्राजोल उसके सामने इनइफेक्टिव साबित होगी और इसके साइड इफेक्ट के कारण डायरिया जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फिर आपके बॉडी के अंदर समझे कि विटामिन D12 की डेफिशिएंसी है तो भी पेंटोप्राजोल यूज़ ना करें, बिकॉज पेंटोप्राजोल लेने से और B12 जो है वो आपका कम हो सकता है। आपके बॉडी के अंदर मैग्नीशियम कम है तो भी पेंटोप्राजोल को यूज़ ना करें। फिर इफ़ यू हैव ए प्रॉब्लम ऑफ इंटरस्टिटियल नेफ्राइटिस, मतलब कि नेफ्राइटिस का मतलब होता है किडनी का इन्फ्लेमेशन, कि आपके किडनीज के ऊपर ऑलरेडी सूजन वगैरह है, तो ऐसे पेशेंट को पेंटोप्राजोल नहीं लेनी चाहिए। फिर सब एक्यूट क्यूटेनियस ल्यूपस इरिथेमेटोसस मेटोसिस, ये वाला जो प्रॉब्लम होता है जो लोगों को, साथों साथ जो SLE का जो हम प्रॉब्लम कहते हैं SLE, कि जिसका फुल फॉर्म मैं बताऊँ तो सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस, कि जो एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसीज होते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज मतलब कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपके ही बॉडी के हेल्दी सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है, मतलब कि ये वाले समझो कि आपके बॉडी के नॉर्मल सेल है और ये नॉर्मल सेल को आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो समझ लेगा एंटीजन, कि आपके ही बॉडी के सेल को समझ लेगा एंटीजन और उनके सामने आपका इम्यून सिस्टम अटैक करेगा एंटीबॉडीज को लाके, और उसके कारण ये जो आपके बॉडी के ही खुद के हेल्दी सेल्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं उसको कहा जाता है ये ऑटो इम्यून डिसीज। तो इम्यूनिटी जब इम्यून सिस्टम ही पूरा समझे कि फेल हो जाता है तो उसके कारण ये सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसे लोग भी पेंटोप्राजोल यूज़ ना करें, एंड ऐसे लोग की जिनके बोन ऑलरेडी काफ़ी वीक है, ब्रोकन है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस का आपको प्रॉब्लम है, कि ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है, वीक आपके बोन्स है या फिर आपके बोन ऑलरेडी ब्रोकन है, तो ऐसे लोग भी पेंटोप्राजोल के जो टैबलेट्स होते हैं उनको यूज़ ना करें। तो ये अलग अलग कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। अब समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी के अंदर इसको यूज़ करें कि ना करें, तो इसका आंसर है नो, प्रेगनेंसी के अंदर आपको ये यूज़ नहीं करनी है, बिकॉज इट इज़ नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके कोई ऐसे सेफ्टी के एविडेंस नहीं मिले हैं कि पेंटोप्राजोल जो है वो सेफ है, तो पेंटोप्राजोल इज अनसेफ टू यूज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ये कम्प्लीटली अनसेफ है, तो प्रेगनेंसी के दौरान पेंटोप्राजोल के जो टैबलेट्स होते हैं उसको यूज़ ना करें। पेंटोप्राजोल यूज़ ना करें तो कौन सा यूज़ करें, तो पेंटोप्राजोल के सिमिलर ही मेडिकेशन आती है ओमिप्राजोल। तो ओमिप्राजोल जो है वो सेफ है प्रेगनेंसी के दौरान, तो प्रेगनेंसी के दौरान समझे कि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सेसिव स्टमक एसिड जैसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ओमिप्राजोल ले सकते हैं। और समझे कि ओमिप्राजोल भी ना ले तो सबसे बेस्ट रहता है ये यूजिंग द सिंपल एंटासिड सिरप, कि ये जो एंटासिड सिरप आते हैं कि जिसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, कि जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम कहते हैं, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर ऐसे एंटासिड सिरप कोई भी आप यूज़ करते कि जो एंटी फ्लैटुलेंट भी काम करेगा, कि जिसके अंदर सिमेथिकॉन या फिर डाइमेथिकॉन वगैरह रहेंगे, तो ये वाला सबसे बेस्ट रहेगा, कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो एसिडिटी या फिर एक्सेसिव स्टमक एसिड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर अबाउट द पेंटोप्राजोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अगर ऐप एंड्रॉयड यूज़र है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।